गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं हमारा एमपी साहब को एक मैसेज देना चाहता हूँ, इसलिए आप सबके सामने मुझे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग करना पड़ा। एमपी साहब, आप तिपरासा का वोट पाकर आप एमपी बना, तिपरासा का वोट पाकर आप एमपी बना, ना कि दिल्ली का कोई लीडर्स आपको यहाँ पर आके एमपी बनाया। तो मुझे लगता है आपका दायित्व तो बनता है, पहले तिपरासा के बारे में, जिन्होंने आपको वोट दिया, इन सब के बारे में आपको सोचना चाहिए, ना कि आप तिपरासा के खिलाफ होके जो पार्टी कहते हैं, जो बीजेपी लोग डिसाइड करते हैं दिल्ली पे, उस बात को माने। मुझे लगता है जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास होके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना, तिपरासा लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस टाइम आपका साथ चाहिए था, तब आप चुप था। जिस टाइम विश्वजीत देवबर्मा एक तिपरासा, इनको बेरहम तरह से मारा गया, पीटा गया, उस टाइम आप चुप था। जिस टाइम हमारा रियांग ब्रो ऑलमोस्ट 30 इयर्स अबव डिटेंशन कैंप पे कष्ट होके वहां पर रहा था, तब उस टाइम आप चुप था। जिस टाइम बहुत सारा तिपरासा लोग बेरोजगार के वजह से, जॉबलेस के वजह से सुसाइड करना पड़ा, उस टाइम आप चुप था एमपी साहब। जिस टाइम तिपरासा का जितना भी छोटा छोटा बिजनेसमैन जो लोग वेजिटेबल बेचता था, उन लोगों का पेट पे लात मारा जाता था, उनको भगाया जाता था, उस टाइम आप चुप था एमपी साहब। आज बुबाग्रा इस हा का खून से, इस हा का थुई से, इस दफा के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन देना चाहता था, और आप इनके खिलाफ जाके 12 लाख तिपरासा लोगों का दिल तोड़ा जाता है, उस टाइम आप एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग को चुप रहने के लिए। ये नहीं हो पाएगा एमपी साहब। जिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये मांग रहा है कि तिपरासा के लिए सॉल्यूशन देना है, तिपरासा के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन लाना है, और आप इस कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन के खिलाफ जाके कहता है कि ग्रेटर तिपरालैंड नहीं होगा, तब आप एक्सपेक्ट करते हैं 12 लाख तिपरासा लोग को चुप रहने के लिए। ये नहीं हो पाएगा एमपी साहब। बुबाग्रा इस हक का खून से, थुई से तिपरासा बन के इनका जितना भी सब कुछ खुश कंफर्ट लाइफ, लग्जरियस लाइफ, वो सब छोड़ के आज जमीन पे आके दफा के लिए आवाज उठा रहे हैं। वो आपका एमपी सीट छीनने के लिए नहीं, वो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए भी नहीं, इनको प्रेसिडेंट पद नहीं चाहिए, इनको मंत्री नहीं बनना है, इनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं जाना है। बुबा ग्रागर कुछ चाहता है तो वो तिपरासा के लिए सॉल्यूशन चाहिए इनको। अगर बुबा ग्राह को कुछ देना है तो आप एक संग होके तिपरासा के लिए लड़िए। ये जो पार्टी का पोस्ट, जो पार्टी का पोजीशन, जो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये आपके साथ 5 साल के लिए रहेगा, उसके बाद आप तिपरासा बन के ही रहेगा। तिपरासा का संग रहिए, आप तिपरासा के लिए बात कीजिए,
2026 पे डिलिमिटेशन होने जा रहा है, और डिलिमिटेशन का पहले एकमात्र ये एक ही इलेक्शन 2023 है, यहाँ पर हमको साथ रहना है, थंचा रहना है। और हम किसी जाति के खिलाफ थोड़ी ना बोल रहे हैं, हम बंगालीज के खिलाफ नहीं है, मुसलमान के खिलाफ नहीं है, ना कि कोई भी व्यक्ति त्रिपुरा पे जो रह रहा है उनका खिलाफ नहीं है। हमको त्रिपुरासा के बारे में सोचना है, जो 72 साल से हम लोग को बेरहमे की तरह रहने दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन से अलग होके हम लोग को जो डिप्राइव किया गया, उससे हमें निकलना है, हम लोग को लड़ना है, नेक्स्ट जनरेशन को कुछ दे के जाना है। इसलिए आज बुबा ग्रह फाइट कर रहे हैं, आपके पद छीनने के लिए नहीं। और हम जानते हैं बुबा ग्रह वो इंसान है जिनको आप 100 times भी गाली बकने के बाद भी वो आपका खिलाफ नहीं जाएगा, बल्कि आपके लिए वो प्रे करेगा, बल्कि आपके लिए वो एक गुड मैसेज देगा। वो है बुबा ग्रह। हम सब बुबा ग्रह को बहुत प्यार करते हैं। हम त्रिपुरासा लोग चाहते हैं कि आप भी एमपी से पहले, बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता से पहले त्रिपुरासा होके बात करें, त्रिपुरासा के लिए आवाज़ उठाएं। और ये मुझे नहीं लगता कोई गलत है, कोई भी मराठी लोग मराठी के लिए बात करते हैं, कोई भी वेस्ट बंगाल का लोग उनका लोगों के लिए बात करते हैं, राजस्थान का लोग राजस्थानी के लिए बात करते हैं। और जब हम त्रिपुरासा लोग अपने राइट्स के लिए बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई ये गलत बात है। इसीलिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ एमपी साहब, आप त्रिपुरासा का वोट पाकर आज आप एमपी बना। आपको दिल्ली का लीडर्स लोग ने नहीं बनाया ये एमपी, त्रिपुरासा का वोट ने आपको बनाया। इसीलिए त्रिपुरासा के बारे में सोचिए। थैंक यू सो मच।